सो हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज के someone who is new to my channel and watching my face for the first time, definitely subscribe to my channel and hit the bell button. So I usually do post makeup, skincare, hair care, makeup haul, clothing haul and etc. and makeup affordable budget में makeup का recommendation। अब इन सब चीजों में interested हो तो and अब ये सब चीज YouTube पे देखना पसंद करते हो तो you can definitely subscribe to my channel। and आप लोगों को मेरा इस makeup look का tutorial चाहिए तो go follow me on my Instagram। इसका लुक में ये वाला लुक मैं वहां पे अपलोड करने वाली हूँ एंड Instagram का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, यू कैन फॉलो मी देयर। नाउ विदाउट एनी मोर बकबक लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी माय टॉप 5 ब्लश रिकमेंडेशन अंडर ₹500 एंड अंडर ₹300 आप बोल सकते हो। सिर्फ एक ही जो ब्लश है उसका प्राइस 350 है, तो ब्लश आर अंडर 300। ब्लश का जो स्टार्टिंग प्राइस है इट स्टार्ट फ्रॉम ₹99 एंड दोनों जो ब्लश है वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। I mean, उनके प्राइस अंडर ₹100 है और स्टार्टिंग प्राइस जो है बहुत ही अफोर्डेबल रखा है। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स एंड टीनेजर कैन अफोर्ड ऑल द ब्लशेस एंड ब्लश का शेड है मोस्ट ऑफ द डस्की, मीडियम एंड डीपर स्किन टोन को डेडिकेटेड करके ब्लशेस का शेड मैंने रखा है। स्किन टोन इज मीडियम टू डस्की स्किन टोन, तो मेरे पास वैसे वाले शेड है जिनके शेड मीडियम टू डस्की स्किन टोन को ज्यादा कम्प्लेक्शन पर ज्यादा अच्छा लगेगा। एक वीडियो किया था जिसमें आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था टॉप 5 ब्रॉन्जर अंडर ₹500। आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। नाउ विदाउट एनी मोर ब्ला ब्ला लेट्स गेट जंप टू दिस लाइक मेन टॉपिक। तो पहला जो ब्लश आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी दिस वन इज फ्रॉम ब्लू हेवन। दिस इज द शिमरी मैट ब्लश एंड दिस वन इज इन दी शेड, मेरा जो यहाँ पे शेड है 503, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप देख सकते हो। एंड ब्लशेस का जो हैंड स्वॉच वगैरह है मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, सब ब्लशेस का आप देख सकते हो। ₹600 ₹125 लाइक ₹125 इसका प्राइस है। दिस इज लाइक वे टू अफोर्डेबल, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। टीनेजर एंड बिगिनर कैन लाइक इजिली अफोर्ड दिस काइंड ऑफ अफोर्डेबल ब्लशेस। एंड इसका जो शेड, इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है। सो मेरे पास यहाँ पे जो शेड है दिस इज इन दी शेड 503। दिस इज काइंड ऑफ अ कोरल एंड पीचिश काइंड ऑफ लाइक उस शॉर्ट ऑफ थोड़ा सा ऑरेंज टोन में इसका जो शेड है। स्पेशली इफ यू हैव फेयर स्किन टोन, आपके स्किन टोन के ऊपर ये ब्लश बहुत ही अच्छा लगेगा, लाइक बहुत ही अच्छा लगेगा। लाइक आपके कॉम्प्लेक्शन के ऊपर आप लोगों का थोड़ा सा येलो अंडरटोन और कूल अंडरटोन भी होगा तो आई थिंक बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड ये जो वाला ब्लश है इट इज काइंड ऑफ मैट ब्लश, आप लोगों को देखने पर लगेगा इट इज अ मैट ब्लश, बट वंस यू स्वॉच्ड इट ऑन योर हैंड्स और एनी वेयर आप लोगों को थोड़ा सा शिमर पार्टिकल्स नजर आएगा जो कि उतने ज्यादा विजिबल नहीं है। इफ यू अप्लाइड इट ऑन योर चीक्स एंड नोज लाइक शिमर पार्टिकल्स उतना ज्यादा नजर नहीं आता है। एंड इट्स जस्ट वेरी फाइनली मेल्ट एंड बहुत ही अच्छा एक शेयर ग्लो भी प्रोवाइड करता है ये ब्लश। आई लव द ब्लश। अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज जो ब्लश आप लोगों को मिल रहा है ब्लू हेवन की तरफ से, इट इज वर्थ एवरी सिंगल पेनी दैट यू इन्वेस्ट एंड डेफिनेटली चेक आउट दिस ब्लश फ्रॉम ब्लू हेवन। तो आप बात किया जाए सबसे सस्ता वाला जो ब्लश आप लोगों को मैं दिखाने में जिसका प्राइस है ₹99, सिर्फ ₹99, तो वो है ये हिलारी रोडा का ब्लश। आई थिंक देख सकते हो ये हिलारी रोडा का ब्लश एंड दिस वन इज इन द शेड 03। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, इसमें आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है 4 शेड्स ऑफ कलर एंड दिस 4 शेड्स आर ऑल द मैट शेड्स इन देयर एंड कोई भी शिमर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। दीज आर लाइक हाईली पिगमेंटेड ब्लश, तो आप लोगों को ये ब्लश शेड बहुत ही लाइट हैंडेड यूज करना होगा आपके फेस पर। आपने ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया तो लाइक जोकर की तरह लगेगा फेस। एंड इन शेड्स को आप एज अ मैट आई शेडो ट्रांजिशन शेड के तौर पे भी यूज कर सकते हो। दिस इज दैट पिगमेंटेड, ओके। एंड इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप देख सकते हो। एंड ब्लश बहुत ही अच्छा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइक एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, दिस ब्लशेस आर नॉट दैट वेरी ब्लेंडेबल और फॉल आउट नहीं होते, वैसे वाले नहीं है। अ लिटिल बिट फॉल आउट इसमें आप लोगों को देखने का मिलेगा, लाइक थोड़ा सा किक बैक है इस ब्लश में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज जो मिल रहा है इट इज लाइक वर्थ योर मनी, बट बहुत अफोर्डेबल है। एंड वन मोर थिंग, इसमें इंग्रेडिएंट्स इट्स हैज मीका एंड लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट मीका इट्स नॉट एट ऑल अ गुड इंग्रेडिएंट्स टू हैव इन आवर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स। मीका से कोई स्किन इश्यू हो सकता है और समथिंग, बट मैंने गूगल करके देखा है मीका इट्स नॉट दैट मच अप like bad ingredients. It's kind of a, like a, you can say a marketing gimmick कह के बहुत सारे like लोगों के दिमाग में मिथ रहता है, जैसे पैराबिन बहुत ही गंदा इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि मीका भी, ऐसे कुछ कुछ इंग्रेडिएंट बहुत ही बदनाम होके रखा है फॉर लाइक ब्रांड मार्केटिंग और समथिंग. वैसे भी मैंने मीका करके गूगल किया था एंड गूगल बाबा जी ने बताया कि इट्स नॉट दैट मच बैड, इट्स बेसिकली यूज इन आवर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स. आई थिंक उस स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप लोगों को देखना है तो देख लेना. तो ये आप लोगों का एक कंक्लूजन था जो मैं दूर करना चाह रही थी इस वीडियो में. एंड इसमें आप लोगों को टोटल 4 शेड मिल जाता है और ये फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है. मैं लिंक डालने की कोशिश करूंगी बट आउट ऑफ स्टॉक रहता है तो आप लोगों को शायद से नहीं मिलेगा. So let's talk about the third one. This is from Swiss Beauty. This is their professional blusher and this is one of my favorite blush. इसको मैंने already मेरे चैनल पर एक full review किया था. इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि it is 300 के अंदर रिकमेंडेशन पे भी इस ब्लश का आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था. सो दिस इज इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं. दिस इज काइंडा दिस ब्लू हेवन वन. ये ब्लू हेवन में जितना भी ये मैट और शिमरी का कुछ लाइक कंबाइन करके बनाया गया हुआ है, ये भी कुछ ऐसी तरीका के ब्लश है बट इनमें जो शिमर पार्टिकल्स है बहुत ही फाइन है, फाइनली मेल्ट है एंड बहुत ही एक शेयर से ग्लो प्रोवाइड करता है. स्पेशली दिस ग्लेस ब्रॉन्जिंग शेड इट्स लाइक सुटेबल फॉर मीडियम टू डस्की स्किन टोन के ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा. आप लोगों को फेयर स्किन टोन होगा तो और भी बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो. स्पेशली दिस ब्लश का शेड इज टू गुड. इसे भी आप एज अ आई शेडो ट्रांजिशन शेड के तौर पे यूज कर सकते हो इस ब्लशर को. एंड ये काफी ज्यादा एक मल्टीपर्पज वाला एक प्रोडक्ट है. इसे लेकर आप एज अ ब्लश कॉन्टूरिंग वाला इफेक्ट भी दे सकते हो आपके फेस पर. एंड लिटरली लव दिस ब्लश. चेकआउट दिस ब्लश फ्रॉम स्विस ब्यूटी. इसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी. Now let's talk about the fourth one. So this one is from Miss Claire. ये है Miss Claire का blusher and this one is in the shade 05. इसमें भी शेड का जो वैरायटी है बहुत ही लंबा है, बहुत सारा शेड अवेलेबल है. एंड आई ट्राई टू परचेज मोड ऑफ कलर फ्रॉम दिस रेंज एंड दिस इज रिटेल फॉर, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी इसका प्राइस. दिस इज अंडर ₹300 एंड स्पेशली दिस शेड. लुक एट द शेड, इट इज लाइक टू डाई फॉर. इसका शेड इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है, मोस्ट ऑफ द स्किन टोन पे बहुत ही अच्छा लगेगा, स्पेशली फेयर टू मीडियम स्किन टोन पर. एंड ये बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड एक ब्लश है एंड स्पेशली इसमें जो ये फ्लोरल करके यहाँ पे कुछ प्रिंट है, ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है ब्लश. इट्स हैज नो शिमर. मुझे और शेड के बारे में पता नहीं है बट स्पेशली दिस इज 05 शेड. इसमें लाइक इतनू सा भी कोई भी शिमर के पार्टिकल्स नहीं है. दिस इज अ प्योर 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 मैट ब्लश एंड आई लव इट. आई टोटली लव इट. मैंने इसे ज्यादा मेरे मेकअप ट्यूटोरियल में यूज नहीं किया है क्योंकि इससे मुझे लाइक यूज करने का मन तो करता है बट लाइक खत्म हो जाने का भी डर है क्योंकि मुझे एज इट इज ये नया नया वाला ब्लश बहुत ही देखने में अच्छा लगता है. एंड आई लिटरली लव दिस ब्लश. हाईली रिकमेंड दिस ब्लश फ्रॉम मिस क्लेयर. सो लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, जो कि मेरा ओजी कल्ट फेवरेट, आप मुझे बहुत दिन से फॉलो करते आ रहे हो तो यू नो दैट विच ब्लश आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट. दिस इज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड एंड दिस वन इज इन द शेड मेलो वाइन. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट मैट ब्लश, मैट पाउडर ब्लश. एंड इसका प्राइस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी. तो इसका शेड काइंड इट्स लुक समथिंग लाइक दैट, काइंड ऑफ पिंकिश, न्यूडिश और पीच का भी थोड़ा सा हिंट है. एंड ऑल्सो इसमें वार्म अंडरटोन है तो मोस्ट ऑफ द स्किन टोन पे बहुत ही खूबसूरत लगता है. एंड आप लोगों ने देखा होगा कि एंड करंटली आई अप्लाइड दिस ब्लश ऑन माई चीक्स एज यू कैन सी. एंड पैन पे देखने पर आप लोगों को लगेगा बहुत ही शेयर से कलर है, मीडियम एंड डस्की स्किन टोन पे उतना ज्यादा शो अप नहीं होगा हमारे स्किन पर तो ये दिखेगा ही नहीं. बट ट्रस्ट मी, वंस यू अप्लाइड इट ऑन योर फेस, ये इतना अच्छा से फ्लश अप कलर आपके फेस को प्रोवाइड करता है. इट्स टू डाई फॉर. सो टीनेजर एंड बिगिनर आप लोगों को काफी एक रीजनेबल प्राइस में एंड ऑल्सो आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का ब्लश चाहिए तो आप डेफिनेटली इस ब्लश को चेकआउट करके देख सकते हो. सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को मेरा ये टॉप 5 ब्लश रिकमेंडेशन अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर दैट लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड ऐसे ही और आप लोगों को टॉप 5 रिकमेंडेशन फाउंडेशन, टॉप 5 कॉम्पैक्ट, टॉप 5 और भी सारे टॉप 5 हाईलाइटर, ऐसे मेकअप की बहुत सारे कैटेगरी है. सब कुछ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड बाय.